नमस्कार, न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा। 2024 चुनाव की तैयारी, जैसा कि जेपी नड्डा ने अभी आज तक के कार्यक्रम में कुछ दिन पहले ही कहा था, परसों कहा था कि तकरीबन 1.5 साल से उनकी तैयारी चालू हो चुकी है। इंडिया ब्लॉक, जो अपोजिशन ब्लॉक है, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी शायद अभी चालू होने वाली है। बहरहाल, इस बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की कमी है, फंड की कमी है, वहीं पे बीजेपी बहुत ही कैश रिच है। कुछ दिन पहले तकरीबन 350 करोड़ रुपए कांग्रेस के एक राज्यसभा एमपी के ठिकानों से इनकम टैक्स ने रेड में बरामद किया था। उसके बाद फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अपने बुक के लॉन्च के समय एक इंटरव्यू में कहा था कि, और शायद ये हिंट था, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा था कि कांग्रेस के पास जो पैसा मिला है वो सही है। उन्होंने कहा कि कर क्या सकते हैं कांग्रेस वाले या अपोजिशन, जब इतना बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात उठाई थी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम चलेंगे औरंगजेब नक्शबंदी के पास। औरंगजेब भाई, आप मुझे एक बात बताएं कि जो भी आपने देखा, सुना, पढ़ा और जिस तरीके के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, इस टाइम पे ये बात क्यों हो रही है? देखिए, ये जब धीरज साहू का पैसा पकड़ा है, आई थिंक ये ट्रिगर वही है। लेकिन देखिए, फैक्ट्स कुछ है। फैक्ट्स ये कह रहे हैं, अगर आप एडीआर की रिपोर्ट देखेंगे सर, बीजेपी जो है ऑफिशियली रिचेस्ट पार्टी है इंडिया में। ठीक है, कोई कैश क्रंच नहीं है, रूलिंग पार्टी है, आप किसी को भी बुला के कुछ भी करवा सकते हो। ये और ये आज बीजेपी ने नहीं किया, पीछे भी हम देखते थे, जब जो भी सरकार रही है उनका ये एक जो है मोडस ऑपरेंडे रहता है कि कैसे वो बुलाते हैं बिजनेसमैन को और उनसे फंडिंग लेते हैं। लेकिन आज कांग्रेस के पास 2-3 स्टेट्स के अलावा कुछ है ही नहीं, और लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं। अगर आप एडीआर का भी देखेंगे, 6,000 कुछ करोड़ का उन्होंने तब एस्टिमेट दिया था कि बीजेपी के पास है, वो बड़ा बड़ा पैसा है। और इलेक्शंस, जहां तक इलेक्शंस का सवाल है नीरज, आजकल इलेक्शन एक लोकसभा या एक असेंबली के सीट 24-25 करोड़ से कम नहीं लगते हैं। आप अगर कहीं भी देखो, जिस तरह से पैसा इस टाइम लगता है किसी भी इलेक्शन लड़ने के लिए, बेशुमार पैसा है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुनाव ही नहीं लड़ पाओगे, इतना पैसा लगता है। तो आजकल के टाइम में जहां पे पैसा ही सब कुछ है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो एक देख एडवांटेज तो है ही बीजेपी को, उसमें कोई शक नहीं है। और अगर अगर कांग्रेस के पास देखे देखे 2014 में जब कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी थी और जब हार गई और जब इलेक्शन में गए, तो एक मुद्दा उठा था कि हमारे पास कैश क्रंच है। उस टाइम भी क्योंकि बोला था कि कांग्रेस के लीडर्स अमीर हैं लेकिन पार्टी गरीब है। जो कुछ करप्शन कुछ जो भी हुआ था उस टाइम, अगर कुछ हुआ है जो भी है, वो लीडर्स ने किया, पार्टी को कुछ नहीं उसमें मिला। पार्टी चुनाव लड़ने के उसमें भी नहीं थी कि खर्चा करे इतना। तो उस टाइम भी ये बात उठी थी कि 10 साल रूल करने के बावजूद इस टाइम पार्टी उस पोजीशन में नहीं है कि टक्कर दे दे बीजेपी को। तब की बात मैं कर रहा हूं। तब बार बार हमने भी कई बार लिखा कि कैश क्रंच ये एक वन ऑफ द रीजंस वाज था ये इलेक्शन डिफीट का। तो अब दूसरी बात, धीरज साहू की बात करते हैं जो कैश पकड़ा। नीरज, ये देखना चाहिए हमें कि जो ये कैश पकड़ते हैं इसमें उसके बाद 18 महीने का इसमें टेन्योर रहता है कि जहां पे आपको एक्सप्लेन करना था, उसके बाद कितना गवर्नमेंट के पास रहता है, कितना लोग उनको वापस मिलता है। क्योंकि आप अकाउंट्स दिखाते हो, आप ये करते हो, ये सारा, तो ये उस दिन का, देखिए उस दिन का तो ऑप्टिक्स बन गया और एक मुद्दा बन गया, देखिए कैश कितना इस्तेमाल करती है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जो ये कैश पकड़ा है इसके बाद क्या होता है इसका, और आज तक मैंने कहीं नहीं सुना, कोई स्टोरी नहीं देखी मैंने कि उसके बाद क्या हुआ। कि जो 18 महीने का टाइम होता है एक स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद, जिसमें एक्सप्लेन करना था कि क्या इस कैश का क्या हो चुका, तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को एडवांटेज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप किसी को भी बुला के कह सकते हो कि यह है। और मैं यहां पर क्लियर कि जब कांग्रेस पार्टी थी, यूपीए था, यूपीए के नेताओं के खिलाफ एलिगेशन थे कि भाई इन्होंने करप्शन किया, 2G था, बाकी चीजें स्कैम्स थी। पार्टी को कितना मिला
वो तो उसके बाद उन्होंने जग जाहिर से कहा, क्योंकि बार बार वो अपने रिपोर्ट्स में यही कह रहे थे कैश क्रंच कैश क्रंच कैश क्रंच। तो ये एक, जहां तक मैं देखता हूँ, ऑन द सरफेस एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एडवांटेज रूलिंग पार्टी को वो होता है निरंजन। शेखर जी, आपके पास आता हूं। सवाल इससे ये पैदा होता है कि बीजेपी तकरीबन 60-70 सालों तक सत्ता का चेहरा भी नहीं देख पाई थी। इतनी अपने आप को देश भर की पार्टी कहती थी, नेशनल पार्टी थी, बट फिर भी कभी 2 सीट मिलते थे, कभी 1 सीट मिलता था, और इसी तरीके से कई सालों तक चलती रही। आपने इस तरीके का कंप्लेंट कभी देखा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? मुझे तो ये इस बात से लगता है कि जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद ही शायद, और वो नोटबंदी थी ऑपोजिशन की कमर तोड़ने के लिए, और अभी भी जितने छापे वापे पड़ते हैं, 200 करोड़ कहीं से निकलता है, कहीं से 100 करोड़ निकलता है, कहीं से 300 करोड़ निकलता है, इन सब वजहों से इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे वो बेनिफिट छीना जा रहा है। शेखर जी, नहीं नीरज जी, देखिए ऐसा है, पैसा सब कुछ है कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि कभी कभी खुदा से भी ज्यादा है, लेकिन खुदा नहीं। ठीक है, केवल पैसे से आप चुनाव जीतेंगे उसका अगर आप रिजल्ट देख लीजिए, पिछले 10 साल में ऐसा नहीं हुआ, या उससे पहले भी। प्रॉब्लम क्या है, जो फंड कलेक्शन का मैकेनिज्म जो बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अलग अलग है। बीजेपी शुरू से लेकर आप देखेंगे, जब बीजेपी के पास पैसे कोई देता नहीं था, ठीक है, उनकी जब फंडिंग नहीं होती थी, तब भी क्या होता था कि उनकी एक मेंबरशिप ड्राइव होती थी, जिसमें 5 रुपये से लेकर उनकी एक लाइफ मेंबरशिप का भी है, कई करे जब भी थे, जब कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष थे, उस सिस्टम वैसा ही था। और ज्यादातर वहां पे पार्टी में यही था कि हाँ, कुछ नेताओं के पास भी पैसा था, लेकिन हमेशा ये थी कि भाई पार्टी को ही कलेक्ट करो, पार्टी फंड में भी डालो। लेकिन कांग्रेस में शुरू से लेकर, जब से इंदिरा जी का समय से लेकर, पार्टी फंड पार्टी के लिए एक था, लेकिन आप देखेंगे वो पार्टी फंड में ज्यादा एनकरेजमेंट नहीं होता था, क्योंकि नेता का जो वजू, नेता का जो वेट है, वो ज्यादातर वो कितने पैसे वो खुद ला पा रहे, उनकी वॉइस उसमें बनती थी पार्टी के सिस्टम में। जिसके वजह से आप देखेंगे कांग्रेस में, देखिए बड़े बड़े स्कैम हुए यूपीए के 10 साल में, लेकिन वही बात जो अभी औरंगजीब जी कह रहे थे, भाई पार्टी को 2014 आते आते पैसे नहीं था पार्टी में, लेकिन बाकी सबके पास। अहमद पटेल थे, अहमद पटेल की क्या इतनी खासियत थी कि एट एनी टाइम ही कुड मोबिलाइज फंड्स। तो फंड्स कांग्रेस की स्टाइल में कई रखे जाते थे, पार्टी के पास नहीं था, इसीलिए आपने देखा होगा एआईसीसी में सैलरीज भी बड़ी कम थी, क्योंकि पार्टी के पास फंड नहीं है। अच्छा, वो कर्मी भी तैयार थे 2,000-3,000 पर महीने में काम करने के लिए, क्योंकि और कुछ अरेंजमेंट कर लेते थे। ये दोनों अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम की है। लेकिन एक बात बता दूं कि केवल पैसे से जीतेंगे, आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, धनराशि तो दोनों साइड में कभी नहीं थी। और तेलंगाना अच्छा उदाहरण है, क्यों हिमाचल ले लीजिए। देखिए सवाल है कि कितने भी पैसा खर्चा करो, और लोग भी, क्यों आप तमिलनाडु ले लीजिए, जयललिता भी हारी है जब एडीएम के पास भी पैसा था, डीएमके भी हारा है जब उनके पास पैसा था। कि क्या है कि अगर लोकप्रियता बहुत कम हो जाती है, पैसे के बल में भी आप जीत नहीं पाएंगे। कि हर पार्टी जीतने का 3 चीज होती, वो क्या है, नेतृत्व चेहरा, दूसरा क्या है, क्या नीति है, किस तरह नीति आप लोकल कैसे एडजस्ट करते रहते हैं एज पर टाइम, और थर्ड चीज है कैडर मोबिलाइजेशन कैसा है। हाँ, ये सब कुछ खास करके कैडर मोबिलाइजेशन, बाकी जो बंदोबस्त वो 4-5 वाले जाएगा पॉइंट्स पे जरूर है, उसमें आपको धनराशि मदद करेगा। लेकिन आज की कांग्रेस की दिक्कत पैसे नहीं है, कांग्रेस की दिक्कत पहला जो 3 पॉइंट्स है उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे, उसको एग्जामिन नहीं कर रहे, उसको फेस नहीं कर रहे। प्रॉब्लम वही है कि कांग्रेस पार्टी पे बता रहा हूं दोबारा, क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी कवर किया, कांग्रेस पार्टी एक समय में सेंट्रिस्ट पार्टी था और उन्हीं का स्टाइल वही था। देखिए नरसिम्हा राव के टाइम में, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी का ऐसा था, नेचुरल पार्टी बोलते थे, कोट अनकोट नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या है, हर भारतीय के लिए कुछ ना कुछ लिंक करने का था, तो कई चीजें पर कॉम्प्रोमाइज करते थे, कई चीजें पर थोड़े फर्म स्टैंड लेते थे, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन होता रहता था। उन दिनों की पॉलिटिक्स के लिए वो ठीक चला,
लेकिन कांग्रेस पार्टी को इवॉल्व नहीं हो पाई। आज आप देखिए, सबको पता है, बड़े बड़े नेताओं को राज्यसभा टिकटें दी गई है उनकी राज्य से दूसरे राज्यों में, क्योंकि भाई आप पार्टी के लिए कुछ कर दो या जो डिसाइड करने वाले उनके लिए कुछ कर दो। मैं आज बता रहा हूं, एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की 5 साल से है वहां पे के शरणगिरी, उनको हटा नहीं पा रहे। हटा नहीं पा रहे मतलब और दुखद मिल रहा है। अक्टूबर महीना में सोनिया गांधी स्वयं चेन्नई गए थे, किसी कार्यक्रम, स्टालिन का कार्यक्रम था, तमिलनाडु मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था और वो गए थे। वहां पे उनको मौका मिला, सब कांग्रेस लीडर बात के, वहां पे यही थी भाई, हम लीडर भी नहीं चेंज किए, कुछ नहीं किए, हमारी कैडर मोबिलाइज नहीं है, और कांग्रेस की और नेताओं की तरफ से क्या कहा गया भाई, यही आप थोड़ा प्रेशर डालिए, इस बार हमें 15-20 सीट दे। मानी सोनिया गांधी को ये नेता कह रहे हैं कि कुछ करें, और सोनिया गांधी तरफ से क्या बोले, भाई आप लोगों ने कुछ एक्टिविटी नहीं की, कुछ किया ही नहीं। अब अध्यक्ष का मामला, अच्छा वहां पर भी तैयार हुआ था कि अड़गिरी के पक्ष में कुछ बोले। मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखिए जहां रोल ऑफ मनी पावर इन पार्टी, पहले उसको संभालिए। अब क्या हुआ है, अब सोनिया जी आके अपने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोले, भाई तमिलनाडु में क्यों इतना डल पड़ा है मामला, अगर 5 साल हो, अभी फरवरी आएगा तो अड़गिरी का 5 साल हो जाएगा, कुछ कीजिए, चुनाव आ रहा है। अब वो चाहते हैं कि हम डीएम के नेतृत्व से बात करें और ज्यादा सीट उनके लिए दिलवाए। मैं एक क्योंकि एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, समझ लीजिए। जी जी अब 3-4 दिन पहले ऐसा हुआ, अपने कार्तिक चिदम्बरम के बेटे जो संसद सदस्य भी है, पी चिदम्बरम के बेटे जी कार्तिक कार्तिक चिदम्बरम, वो लगे हुए, पिछली बार भी लगे हुए, उनका नहीं हुआ। ये अड़गिरी जो बने थे माना जाता था चिदम्बरम के भी करीब है। अब क्या हुआ, ये इनसे मिले, क्या किनसे, खड़गे से। मिलने के बाद जो बात आ रही है वो बात यही है, भाई कार्तिक चिदम्बरम वॉज हैप्पी विद द बेटी एंड खड़गे इज कन्विंस्ड कोट अनकोट कि ये बड़े सक्षम है पार्टी को नेतृत्व देने में। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी के साथ इनकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है। अब दायित्व है खड़गे जी का राहुल गांधी को कहकर इन पर थोड़ा दया दीजिए, मतलब दया कीजिए, इनको एक मौका दीजिए। उस अच्छा उससे पहले तक कार्तिक चिदम्बर का पब्लिक स्टैंड अलग अलग था, ईवीएम को लेकर दिग्विजय कह रहे हैं ईवीएम में हमारे भरोसा नहीं, ये कह रहे मेरे पूरा भरोसा है। ये खड़गे से मिलने के बाद थोड़ा चीजें चेंज हुई, अब वही ट्यून बोल रहे हैं जो पार्टी की स्टैंड है। अब बात है तमिलनाडु में लोग कह रहे हैं भाई ये कैसे कन्विंस कर दिया कार्तिक चिदम्बरम खड़गे को, क्या वैसे ही कन्विंस किया जैसे चिदम्बरम ने कांग्रेस हाईकमांड को कन्विंस किया भाई मुझे महाराष्ट्र से सीट दे दो पिछली बार, उसके बाद तो फिर तमिलनाडु से मिल गया था, अभी तमिलनाडु के राज्यसभा सदस्य, तो जी कैसे कन्विंस कर रहे। उसके बाद पता नहीं कितने गुड ऑफिसर्स यूज किए, मैं इसमें गुड ऑफिसर्स यूज होते, आप गुड ऑफिसर्स का मुझे फिर परिभाषा मुझे मत से फोर्स कीजिए, भी जानते। फिर अब हो गया कि कार्तिक चिदम्बरम और प्रियंका जी का एक मीटिंग हो गया। अब तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मुझे कहते हैं इस बार कार्तिक को हो जाएगा, हो सकता है ज्यादा। मैंने कहा कैसे, पिछली बार आप लोग तो मिलकर काटे उनकी, नहीं इस बार वो पार्टी के लिए काफी करेंगे, तमिलनाडु की खर्चा वगैरह उठा लेंगे। तो बार बार यही बात आती है, देखिए कांग्रेस के नेता अगर अमीर हैं और पार्टी की सारे, क्योंकि वो धनराशि से ही अपने इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये जी सिस्टम कांग्रेस में चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक चुनाव जीते थे जीते आए, आज प्रॉब्लम और कुछ है। समस्या मैं फिर बता रहा हूं, नेतृत्व नीति कैडर मोबिलाइजेशन, यही बात है। लेकिन उसके लिए जी पैसे से भाई आप कहना है भाई सुप्रीम कोर्ट की उनकी है, इलेक्शन कमीशन भी उनकी है, क्यों इमरजेंसी जब जब जैसे ही 77 में सब कुछ इंदिरा जी की नहीं थी, बिल्कुल शेखर लेकिन जी उसके बावजूद धीरज जी, अगर लोग अगर मैंडेट आपको नहीं देंगे तो नहीं देंगे, पैसे से नहीं होंगे। क्यों रजनीकांत ने एक बार जयललिता को क्या कहा था, जब वो खुल के अगेंस्ट जयललिता आया, बोला कि वो पैसे दे रहे थे ले लो लेकिन वो ठीक से देना, ओपन जी स्टेटमेंट था, रिटर्न स्टेटमेंट था। तो मुझे लगता है देखिए एक बात है, ये लोग नाखुश है, यहाँ पे इंटरव्यूअर और इंटरव्यू नाखुश है। अब रघुराम राजन की बात करें, वो स्वयं कह रहे थे इकोनॉमी का कुछ नहीं होगा, बंटा पड़ के बैठ गया, अब इकोनॉमी पिकअप हो रहा है, स्वयं एक पहले इंटरव्यू बोले नहीं, इकोनॉमी का चांस है। अब इन लोगों की टिप्पणी में कोई ज्यादा ये नहीं है, लोग सीरियस नहीं लेते। भाई आप कांग्रेस पार्टी से पूरे जुड़े हुए हैं,
चिदम्बरम के साथ थे, बीच में आपने आइडिया दिया था उनको यूनिवर्सल इनकम, अब आज लग रहा है कि सब कुछ उनके पास है, लेकिन ये कह के क्या आप बहाना बना रहे हैं, कभी ईवीएम को दोष दे रहे हैं? आपको आपको कैडर की क्या हालत होगी आप सोच लीजिए भाई, हमारे पास दिक्कत कुछ नहीं है हम इसलिए हार रहे हैं। पैसे सब रघुराम, देखिए, पैसे से पैसे ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मामला जो है झारखंड मामला, ये तो और कुछ हो गया ना भाई। जैसे तृणमूल कांग्रेस के भाई 55 करोड़ रखे बैठे, जी और मैं बताऊं हर देखिए क्या हर नुकसान, कांग्रेस शासित राज्य में गारंटी विजिलेंस डिपार्टमेंट है। किसने रोका है? कर्नाटक गवर्नमेंट को छापा मारो सारे बीजेपी वाले, वैसे तो केस डाले हैं ये इस पर विजेंद्र पर, विजेंद्र के जो साले वगैरह हैं उन पर छापा मारा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है ना। जी देखे मेरा यही पचपन करोड़ मिलना, अब 300 करोड़ पार करना, अब आपके साथ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है भाई। इंस्टीट्यूशन, और आप क्या मान रहे हैं धीरज साहू अब बिना इंस्टीट्यूशन शेखर जी, कंट्रोल वो करते तो इतने इकट्ठा किए क्या? नहीं, वो एडवांस देखिए, जैसे इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, जिस तरह से बिल लाया गया है वो तो आपने तो उसमें कुछ, चाहे नहीं उस आज नहीं नहीं उससे आज पहले कैसे आज नियुक्ति होता आज था? आज नहीं नहीं आपकी सुनिए, सरकार में उससे पहले कैसे नियुक्ति होता था? उससे जैसे पहले भी होता देखो, था, मैं कह सरकार रहा हूं सरकार ही अगर तय बीच करती में थी। नहीं, अगर शेखर जी बीच में एक सिस्टम आया था कि जहां नहीं भले ही नाम के नहीं लिए चीफ नहीं नहीं जस्टिस, नहीं 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 एक बात सुन लीजिए, और ये मुझे, मैं एक बात करना चाहता हूँ। उससे पहले ठीक था, आपके मर्जी से चीफ इलेक्शन कमीशन लगातार अपॉइंट किए, उसके बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहे हैं। मैं पहले अब नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेखर, दिक्कत मैं पहले अपोजिशन की की नहीं बात है, नहीं कर रहा हूं शेखर, सुप्रीम मैं कोर्ट, पहले की बात अरे नहीं कर औरंगजेब रहा हूं, मेरी पहले बात जो भी सुनिए, गलत उस था गलत था। नहीं मैं कह गलत रहा हूं बात कि नहीं, इस जजमेंट को समझिए ना, नहीं, ये मैं कह रहा हूं जजमेंट कि सुप्रीम अगर एक कोर्ट, सिस्टम, नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट अपना दायरा बढ़ा रहा है, ये फाइट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड मैं कह रहा हूं जुडिशियरी। कि अगर ये सिस्टम, अगर हम लोग, अगर इम्पार्शियल सिस्टम नजर आ नहीं देखिए रहा था, ऐसा नहीं, आप अब क्या है, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो यही थोड़ी ना है। ना कांग्रेस की बात छोड़िए, अरे कांग्रेस कांग्रेस की की बात बात नहीं छोड़िए, है, ये बातें उसी से आता है, नहीं ये कांग्रेस बात की बात, उसी से आता है। अगर कांग्रेस जीती जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं अरे एक, शेखर, अरे आप बताइए, आप इसको अरे अदर आप, दूसरे लेवल अरे पे आप ले मुझे जाओ। बताइए, नहीं, मैं ये कह रहा अरे हूं, सीबीआई के मामले हो, जब भी इनकी सरकार रही है ऑपोजिशन का चला है क्या? सीबीआई मामले में, इलेक्शन कमीशन मामले में किसका चला है? आप ये काम काम से ये कहकर अपने आप को मन दुख क्यों कर रहे हैं लोग, मैं यही पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक हाँ सिस्टम रखा था, चले भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रखा था, उसमें कोई सुप्रीम खराबी कोर्ट ने नहीं नहीं थी, रखा, अग्रे औरंगजेब आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत अभी कर देखिए रहे हैं? नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखा, क्या हुआ था मार्च, जी पहले सुनिए। शेखर जी, शेखर जी मैं बीच में पड़ रहा हूं, अगर औरंगजेब को अपनी बात कह लेने देते हैं, मेरे ख्याल से वो कोई पॉइंट रखना चाहते हैं, नहीं उसके पॉइंट बाद रखा, हमें लेकिन मालूम फैक्ट्स नहीं, पे, नहीं फैक्ट्स पे आगे बढ़े ना हम भाई। क्योंकि सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की कुछ नहीं, तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आगे आया ना, रखा, क्योंकि इंटरिम एक अरेंजमेंट रखा था, इंट्रीम इंटरिम अरेंजमेंट नहीं अरेंजमेंट, है, देरी मेरी बात सुनिए, इंट्रीम अरेंजमेंट नहीं है। जब जोसेफ के पास कंप्लेंट आ भाई, जो अचानक तुमने, आपने एक इलेक्शन कमीशन डाल दिया था, ये मार्च महीने की बात है, तब जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जब पहले तक, बोलिए फिर हम सुन रहे हैं, आप बोलिए, बस आराम से बोलिए आप, देखिए मैं औरंगजेब आप देखिए आप आप एजिटेट हो रहे हो अजीत शेखर, मैं तो कभी नहीं है, आपको, फैक्ट्स, क्या अरे मैं औरंगजेब फैक्ट्स मेरा की बात प्रॉब्लम है, है, सुनो फैक्ट देखिए फैक्ट्स पर फैक्ट्स होना है ना। पे आ जाओ ना, आप कह रहे हो अरे कि नहीं नहीं पहले क्या सीखे हुआ नहीं, था वो सब ये है, मैं कह रहा हूं आपसे जो मार्च में क्या कुछ हुआ हुआ था, जजमेंट व्हाटएवर क्यों वाज, आया था, मार्च किस में बात को आया, लेकर कभी आया अभी था? एक अरेंजमेंट था, वो अरेंजमेंट अरे ठीक कैसे अरेंजमेंट नहीं था यार, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जजमेंट क्या था, बोला था कैसे नहीं कि जब था, तक आप कानून बनाइए तब तो तक ये है, कानून, हाँ तो अब तो कानून कानून बना, बनाया, इसमें क्या एग्जैक्टली दिक्कत है? कानून बनाइए, तो उसको ऐसा ऐसे इम्पार्शल नहीं कानून मत नहीं बनाइए, ईशा, फिर नहीं वो देखिए उससे पहले क्या था, आप वही बात कर रहे हो उससे नहीं पहले, उस आप एक जो उससे देखिए, पहले जो था उसको इन्होंने किया है। एक मिनट शेखर, मोदी नहीं, तो नहीं नहीं, आप एक मिनट, फैक्ट्स पर जाना नहीं चाहते, औरंगजेब आप फैक्ट्स को सुनिए डिस्कस तो, कीजिए, उस आप पर सुनने ही एनालाइज नहीं कीजिए। चाहते, अरे आप सुनने ही बिना नहीं फैक्ट्स चाहते, कैसे चलेगा बताइए? आप सुनिए, मोदी तो हमेशा रहने वाले नहीं है, हाँ अरे नहीं रहेंगे यार, वो तो चले इंदिरा भी गांधी जाएंगे भी वो रही बात ना, नहीं है, मोदी की बात नहीं है, सुनिए तो मेरी बात, मोदी लेट बार बी बार यही कंप्लीट गलत ना, कर रहे हो आप, लेट मोदी बी नहीं है, कंप्लीट, लेट बी मोदी बात कंप्लीट, नहीं है, लेट बी कंप्लीट, मोदी तो रहने वाले नहीं है, लॉ तो रहेगा ना, आप एक फूल प्रूफ लॉ, ये कल को, अगर कल को जब ये हट जाएंगे, कल को कांग्रेस आ जाएगी या कोई और पार्टी आ जाएगी, तब क्या लेवल प्ले, वो फेयर प्ले होगा, तब आप किसी को भी बना सकते हो, तो कल कल इसी में चीफ जस्टिस हो जाते, चीफ जस्टिस सरकार कोई के भी साथ हो जाए, जाते, फिर कोई क्या भी हो जाए, बोलते आप?
फिर बोलेंगे चीफ जस्टिस भी सरकार के साथ है, यही तो क्यों बोलेंगे ना, करें, क्यों आज तक कभी हुआ यही तो है? बोलेंगे। अरे यही तो आप कह रहे हो ये बोलेंगे। बोलेंगे, आप वो अरे कह अरे रहे भाई हैं ये तो देखो, बोलेंगे। व्हेन यू डोंट बिलीव, व्हेन यू डोंट बिलीव इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट, आप व्हेन यू पार्टी डोंट को बिलीव इन छोड़िए द ना, डिसीशन, आप आप फिर कैसे बोल रहे हो, बनेंगे? आप बोलेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट साथ जा रहा है, अभी भी क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ है, यही तो शिखर जी बोल रहे हैं। औरंगजेब भाई, मेरी इसमें जो अंडरस्टैंडिंग कहती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बस इतनी सी थी कि एक कुछ फैसला होने वाला था, और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक कानून नहीं बना देते, जो लेजिस्लेचर वो है, तो मैं लेजिस्लेटिव मानता कानून हूं, पास नहीं मैं करते, कह रहा तब हूं तक मैं आपसे, रहूंगा। अरे कानून वो भी किसने क्यों हुआ बनाया? था, कानून नहीं नहीं वो ऑर्डर क्यों हुआ था, तो नहीं वो ऑर्डर क्यों हुआ था, कानून अब अरे शिखर जी एक्सप्लेन कीजिए वो क्यों हुआ था। देखिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए औरंगजेब, मैं कोई काउंटर नहीं कर रहा, मैं वो प्रॉब्लम को समझना चाहता हूँ, और मैं जितना समझ रहा हूँ मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर उस पर जो मर्जी बोली, जो जी मर्जी बोली, मेरा कोई इतना, आई विल बी साइलेंट थ्रू। देखिए वो कानून क्यों आया, ये ऑर्डर क्यों आया, ऑर्डर ने किस जज ने पास, किसके नेतृत्व में बेच था, ऐसा हुआ कि जो ये जो ओवरनाइट इन्होंने इनको अपॉइंट किया लास्ट इलेक्शन कमिश्नर को, जी वो पहले दिन रिटायर हुए अगले दिन अपॉइंट हो गए, जी उसको चैलेंज करके आया था मामला, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह कैसे हो सकता है, एक ऑफिसर रहता है अगले दिन बन जाता है, इसीलिए सिस्टम होनी चाहिए, इसीलिए जुडिशियरी का ओवरव्यू होनी चाहिए, माने एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स पावर, जैसे सीबीआई में अपॉइंटमेंट में घुस गए, इसमें भी घुसना है उनको, तो एक्सपेंड किए, तो बैटल बिटवीन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, तब क्या बोले नहीं आपके पास अपॉइंटमेंट की कोई लॉ नहीं है, इस पर लॉ कभी नहीं रहा, जी इतनी बार कानून आई है भाई, एक मेंबर कमीशन से दो मेंबर हुआ तभी लॉ नहीं बनी, तो आप लॉ बनाइए, अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिसाइडेड भाई जो पहले सिस्टम था उसको अपॉइंटमेंट का बना दिए, अब इनकी प्रॉब्लम क्या है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट जैसे बोलो वैसे ही करो, दोबारा जाके चैलेंज करो ना भाई, ये डिबेटेबल पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट हर चीज में जाएगी। अच्छा मान लीजिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर करप्शन चार्जेस आते और चीफ जस्टिस भी पार्टी है, आपको अगर चैलेंज होता कोर्ट में फिर क्या होगा, जब जुडिशियरी इज पार्ट ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिसर एज इलेक्शन कमिश्नर, और मामला चैलेंज होता है कोर्ट में, कुछ करप्शन लाए जाते, क्या जुडिशियरी भी जिम्मेदारी नहीं होती उसमें भाई, सरकारी अपॉइंटमेंट में जुडिशियरी भी पार्टी होती है, तो उस जो उस अपॉइंटमेंट लेकर जो लकुने आते हैं, कमजोरी आता है, फिर कोर्ट का क्या पोजीशन रहेगा भाई, आप भी थे उस कमिटी में भाई, कई बातें हैं इसमें, मैं नहीं कह रहा ये सही है वही, बट लेट अस अंडरस्टैंड, आप औरंगजेब जो मर्जी बोले मैं पूरा सुनूं, जो मर्जी बोले, मैं इसमें नहीं आई हैव पढ़ नो, रहा आई ओनली वांट टू प्लेस फैक्ट्स, बस आप बोलिए औरंगजेब, फ्लोर इज योर्स। मैं ये नहीं कह रहा था कि उन्होंने ठीक किया तो इन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया तो इन्होंने ठीक किया। मैं आपसे ये खाली कह रहा था कि अगर एक सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम बना के जाए, जहां पे आप चाहे जुडिशरी में किसी को लाइए, किसी को न्यूट्रल आदमी को लाइए, लेकिन कल को आप जब हटोगे दूसरे आएंगे वो इसको मिसयूज करेंगे, जो पहले से आ रहा है वो दोबारा होगा, ये होता रहेगा। तो आजकल हम खाली इंडिया की बात क्यों करते हैं कि यहाँ जी इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, बाकी किसी जगह नहीं है? उनके इतने ऐसे सिस्टम इन प्लेस हैं कि वहां पे हो ही नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई सिस्टम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, उसको आप फुल प्रूफ बनाए। मोदी रहेंगे नहीं, इंदिरा गांधी रही नहीं, मनमोहन सिंह रहे नहीं, मोदी आगे कितने साल रहेंगे, उसके बाद 20 साल के बाद नहीं रहेंगे, लेकिन एक सिस्टम रहता है। मैं यही कह रहा था आपसे कि उनको, किसी भी सरकार को, एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम इन प्लेस रखना चाहिए कि कल को कोई उसको मैनिपुलेट ना करे, जिसके लिए वेज एंड मीन्स निकाले। अदरवाइज आप देखिए, हमने नवीन चावला को भी देखा था, हमने इनको भी देखा है अब यहाँ पे, तो ये चलता रहेगा। एक सिस्टम जो है उसको ठीक करने की जरूरत है, भले ही उसके लिए आपको बैठना मंथन करना पड़े। जैसे ये मैं कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि उन्होंने ये मैं कह औरंगजेब रहा था भाई, जो जो उन्होंने किया वो ये भी करेंगे तो फिर सारा ठीक ही है, फिर देश चलता जाए जैसे नहीं चल नहीं रहा है। सुनिए, नहीं देखिए ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, देश चलता जाए नहीं बस तो आप कह रहे, मोदी नहीं है, आप कह नहीं रहे थे ना बात कि उन्होंने किया, मैं आपकी नहीं बात को नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं आपने कहा सिस्टम, शेखर, नहीं, शेखर सुनिए मेरी बात, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा शेखर नहीं है, सुनिए मेरी बात। नहीं ऐसा आपने नहीं है, कहा, ऐसा नहीं है, नहीं आपने कहा कि वो कांग्रेस का था तब, वहां था तब, आपने ये नहीं नहीं कहा। भाई। अच्छा मैं दूसरा इसी पॉइंट बात मुझे को लेकर, बताइए, मैं इसी दूसरा बात को पॉइंट, लेके कह रहा हूं कि फिर इन्होंने भी वही किया, देन दे नो हैव बिकम नो कांग्रेस, औरंगजेब, दे हैव मैं बिकम न्यू आपसे कांग्रेस। आपसे आपसे एक पॉइंट पर पॉइंट चाहता हूं, हाँ इफ जुडिशियरी इज पार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट, सो इफ जुडिशियल, जुडिशियरी, नहीं सुनिए, अगर हाँ वो अपॉइंटमेंट चैलेंज होती है जुडिशियरी, कुछ गलती निकलती है, करप्शन निकलती है, कुछ और कुछ निकलती है, फिर कोर्ट विच इज पार्ट, जुडिशियरी विच इज पार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट, उसका पोजिशन क्या रहेगा,
तो हमने तो देखा है रंजन नहीं गोगोई के साथ क्या नहीं हुआ। अब क्या, नहीं, इफ यू आर पार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट हाउ कैन यू एजुकेट? तो क्या करो, कोई आप बताइए ना, दैट कैसे कैसे एजुकेट करने की क्या पोजीशन इज रहेगी? चीफ दैट जस्टिस ऑफ इज इंडिया, द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट दिस। नो, इफ चीफ जस्टिस इज द पार्टी टू द अपॉइंटमेंट, कल कोई पिटिशन आती है चैलेंजिंग द वेरी, उसके खिलाफ कुछ लेकर आती है, तो जुडिशियरी का क्या पोजीशन रहेगा जब चीफ जस्टिस स्वयं उसके पार्टी है? देर माइट बी, मैं कह रहा हूं जब नहीं, रंजन, आप फूल तो प्रूफ की बात मैं कर रहे हैं ना? आई एम गिविंग यू रंजन गोगोई जब नहीं, क्या हुआ, तो फूल प्रूफ सिस्टम की बात कर रहे हैं ना मैं आप? कह रहा हूं कि नहीं, रंजन आप गोगोई, फूल प्रूफ सिस्टम की बात कर रहे मैं हैं, आपसे वो कह रहा हूं और कि ये कौन सा रंजन, फूल प्रूफ सिस्टम है? जब रंजन गोगोई के खिलाफ ये आया तो क्या हुआ, वो नहीं, और एडवोकेट तो ऐसा अपने ही नहीं है, मैटर पे देखिए कर लिया है। एग्जैक्टली लीगल मैटर्स में थोड़ा हमें देखना है कि नहीं, वो तो आप कह रहे आपको, हैं, नहीं देखिए ये बात आएगी, देखो अगर वो पार्टी है तो क्या होगा, आप फूल प्रूफ सिस्टम की मैं तो बात आपसे कर ही रहे हैं वही ना, पूछ रहा हूं ना तो ये कि फूल जब, प्रूफ सिस्टम है, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, जुडिशियरी पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट इज अ फूल प्रूफ इट्स सिस्टम। नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ फूल प्रूफ, आई एम नहीं, सेइंग द गवर्नमेंट आपका है। वही प्रॉब्लम है ना, आपका ऑब्जेक्शन वही है कि नो 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 नो, मेरा चीफ जस्टिस ऑब्जेक्शन है उसमें नहीं किसी, है, यही तो मेरा ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन है। है कि आपको एक फूल प्रूफ सिस्टम लाना पड़ेगा। आप जुडिशरी की बात कर रहे हो, रंजन गोगोई जिसको आप, जिसने अपना ही मैटर खुद ही एडजुकेट किया, उसके बाद वो बीजेपी का राज्यसभा मेंबर बन तो गया। औरंगजेब भाई, मैं तो इसी मुद्दे पे ये कहना चाहता हूं कि ये जो फूल प्रूफ सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, वहां पे पार्लियामेंट में तकरीबन 543 सांसद बैठ करके यही प्रूफ, फूल प्रूफ सिस्टम बना रहे हैं, और वही बन रहा है, उसी के प्रोसेस में ये बिल लेकर के आया यार जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप नीरज, जिसकी मेजोरिटी जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या आप कह रहे हो वो बात? तो अब तो एक फिर बात, आप ये बताइए मेरे को कौन सा ये होता नहीं है? नहीं फिर वो तो मैं नहीं अभी, कह रहा हूं, मैं कह रहा था आपसे कि अगर वो कह रहे हैं कि जुडिशरी का एजुकेट करे, तो हमने तो देखा कि रंजन गोगोई ने खुद अपने पे तो किया, सुनिए, तो तो मैं ये तो हम भाई ओनस किस पे है ये लाने के लिए? ठीक आप है, कह रहे हो कि चलेगा। जो कांग्रेस ने लाया हमने वही सिस्टम किया, दोबारा रेस्टोर किया, तो बहुत अच्छा है। रही बात जिसकी, जिसका पावर, जो पावर में है उसी की बात चलेगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पे तो ये सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 370 में कुछ भी नहीं कर पाए, और जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह को तो कितनी सुननी पड़ी कि इन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया, ये भी मैं बिके हुए हैं। उसमें बोलना नहीं तो चाहता मेन हूँ, चीज ये होती थ्री है सेवेंटी कि पे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ नीरज, आप प्लीज नहीं, बिल्कुल, उसमें। मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको कल ही, कि होता क्या है कि जब मैंने अपने की बहुत कुछ है मन से कोई लेकिन काम नहीं होता है, मतलब लोगों की बात कर रहा हूं, कि जब लोगों के अपने मन से वो जो सुनना चाहते हैं वही अगर कोई सुना दे तो बहुत बढ़िया, नहीं सुनने में आया तो जी उसको आप आप नेम मुझे एक चीज कॉलिंग बताइए, चालू कर दो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसमें कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? चाहे कोई भी सरकार हो, अगर ये कांग्रेस लाती है तो मैं, हम नहीं बोलते ये गलत बात है, ट्रांसपेरेंसी कौन सी है उसमें? अब ये कोई भी सरकार लाए, बिल्कुल हम यहाँ, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, शेखर बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं नहीं हूँ, नहीं मैं तो खाली सवाल तो यहाँ पे यही है ना कि आज ट्रांसपेरेंसी की सुनिए, बात है ना। कल या तो को आप एक काम करिए, जब आपकी मीटिंग्स होती हैं ये उसको पब्लिक कर लीजिए, उनकी मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, वो भी नहीं होते हैं। ये दूसरा, दूसरी एक बात करते हैं ना कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज की डेट में इनका स्वरूप जो है वो जिस तरीके का है, आप कह रहे हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कल को मान लीजिए 2024 में बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है, तो फिर इसका एडवांटेज तो कांग्रेस को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ किसी को भी, वही तो आप कह रहे हो ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, चाहे किसी को भी फेवर करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसमें बीजेपी को, मैं कह रहा हूँ कि आप कल को, आप मैंने खुद कहा कि कल को मोदी नहीं रहे, कोई और आ गया तो क्या जी करेंगे? तो वो फिर अपना मजे लेंगे, फिर वो ऐसे सिस्टम को चलाएंगे। तो ये मुद्दा भी अभी कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल भी रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। मुझे नहीं लगता कि इस मैटर पे इस चुनाव के पहले तो कोई डिसीजन आने वाला है, और आ भी गया तो अब वक्त इतना कम बचा है कि किसी, कोई बहुत बड़ा भारी फर्क पड़ेगा नहीं। बहरहाल, इलेक्टोरल बॉन्ड से ही हमारा इशू जो था जिससे हमने चालू किया था ये डिस्कशन, हम थोड़ा सा इधर से भटक गए, लेकिन मुद्दा अभी भी वहीं पे है कि रघुराम राजन का ये कहना, और कहें कि ये हिंट देना कि भाई क्या कर सकती है कांग्रेस पार्टी, उसको करप्शन करना पड़ेगा, करप्शन को जायज ठहराना बिल्कुल सही नहीं था। अब हम उस मुद्दे से भी आगे बढ़ते हैं, चूंकि आप कांग्रेस कवर करते हैं औरंगजेब बहुत ही एक्सटेंसिवली, मैं आपको एक परसों की बात बताना चाहता हूं, जो मैंने इस शो के शुरुआत में ये जिक्र किया कि जेपी नड्डा ने डिटेल में बताया कि किस तरीके से बीजेपी अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और दिन ब दिन करती जा रही है। जब मैंने उनकी बातें सुनी, और सुनने के बाद मुझे एक ही चीज लगा कि जिस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट है,
जिस लेवल का, फॉर एग्जाम्पल उनके वहां गुड गवर्नेंस करके एक कमेटी भी है जो कि सारे चीफ मिनिस्टर्स के गवर्नेंस को मॉनिटर करती है और कब कहां पे क्या कमी हो रही है उसको वो सजेस्ट करती है और उनको वो मैसेज दिया जाता है। तीसरी बात होती है इनके वहां मुख्यमंत्रियों के तकरीबन क्वार्टरली, शेखर जी, मतलब क्लासेस भी होती है जो मैं सुनने में आ रहा है, जिसको ये मास्टर क्लास बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बीजेपी के या जिसको बोलते हैं हाईकमान, वो हर 3 महीने पे रिव्यू मीटिंग करके स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको सजेशन देते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ पे आप ये करके आप जनता से दूर जा रहे हो। सो इस तरीके का मैनेजमेंट जो है, मेरे ख्याल से एक चीज से मैं शेखर जी से इत्तेफाक रखता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, कि जो मुद्दा है मुद्दा शायद पैसे का नहीं है, मुद्दा मैनेजमेंट का है और मुद्दा अपने ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं उसका है। वहां पे अगर देखा जाए तो औरंगजेब, आपको भी नहीं लगता कि कांग्रेस तो शायद कहीं मैदान में है ही नहीं, अगर जीत गई या कहीं जीत जाती है तो शायद किसी और वजह से या किसी चुनाव में किसी सरकार के फटीग फैक्टर से या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जीत जाती है। औरंगजेब नहीं, वो देखिए, वो तो हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है नहीं अब, तो वो तो एक अंडरस्टूड है। यहाँ मुझे, पे इनफैक्ट एक मुझे ये चीज है, मुझे ये एमएनसी से भी ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइज लगा ये सब बीजेपी को चीजें। हमेशा सप्लीमेंट करती है, जो है कॉम्प्लीमेंट सब, जो भी आरएसएस करती है। इनके पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, ठीक है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास थी सेवा दल, उसको भी खत्म कर दिया है ओवर द इयर्स, जो उसके लिए बनी थी। तो वो और ग्राउंड पे देखे हमेशा ये, हम तो इतने सालों से ले रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो है नहीं कांग्रेस के पास। कांग्रेस डिफॉल्ट पार्टी बनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अच्छे से लड़ती तो नतीजे कुछ हो, अगर वो जिस तरह से पंजाब में लड़े थे उस तरह से लड़े थे, क्योंकि एक विजिबल था, जो भी गया था एक चेंज का था कि चेंज चाह रहे हैं लोग। लेकिन कांग्रेस में उतनी सक्षमता थी नहीं कि वो उस चेंज उसको कैप्चर करे उसको, तो वो तो हमें पता है, उसमें ये नहीं है। और दूसरा ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया अलायंस आप करना था उसमें आप अभी भी, आप देखिए जब 30 तारीख को चुनाव हुए खत्म, उस दिन करना चाहिए था आपको उस पर आगे की मीटिंग की प्रिपरेशन। आपने उनको एक दिन पहले फोन करवाया कि आप मीटिंग आए, उसके बाद आपने, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप चुनाव में बिजी थे तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव थे, बाकी राज्य आपने खत्म कर दिया कि जी सारी लीडरशिप यहाँ लगी है, बाकी हमारा कोई अब है लिटरली देखा जाए तो 2 से 2.5 महीने बच गए। अब तो है ही नहीं, अब तो आपके सर पे आ गया है। तो बड़ा देखिए, बीजेपी नो डाउट एक सिस्टमेटिक है और उनका एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, और वो हमने काफी देखा है किस तरह से 36 में चुनाव जीत गए। देखिए सारे जितने भी पोलस्टर्स थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वापस आ रही है। तो उनका एक, जिस तरह मैं सुन रहा था कैसे वो परिवर्तन यात्रा, किस तरह से ट्रैक्शन मिलने लगा उसमें, तो ये सब उनका एक सिस्टम है। तो इसमें कोई आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट की करने की जरूरत है, ये हमें पता है। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, और नहीं, जब तक उस पर फोकस ना, जब देखिए, मेरा उस मुद्दे को लाने का मतलब यही था कि जब हम सब मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, शेखर जी ने बोला पॉलिटिकल फिगर की कमी है, जब सब कुछ हमें पता ही है तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और ऐसे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं बड़े पत्रकार का, ऐसे में उनका कहना था कि उनके हिसाब से कि दीज इलेक्शंस डजंट होल्ड एनी सॉर्ट ऑफ मीनिंग। मैं कह रहा हूं कि जब ऐसा ही है और आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले ही हथियार डाल दिए हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अगर कल को चुनाव परिणाम हमारे अगेंस्ट भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब लोगों को हम बता चुके हैं। मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि इस तरीके का नैरेटिव बना करके दो चीजें करने की कोशिश की जा रही है, एक तो ये कि जो भी करप्शन के पैसे पकड़े गए थे अभी उसको वाजिब ठहराने की कोशिश की जा रही है, सही ठहराने की, और दूसरा दूसरा यह है कि आज ही इन्होंने हार मान ली है कि इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जैसा कि आपने कहा था कि 2014 में और 2019 में भी इन्होंने ऑलमोस्ट बोल दिया था कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। देखिए भाई, ये जो पैसे पकड़े हैं, मैं वो कहता हूँ कि हाँ है, पैसे पकड़ा गया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जब पकड़ा जाता है ऑपोजिशन का, देखिए मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये अजीत पवार करप्ट थे, अब वो बिल्कुल साफ हो गए यहाँ आते हुए। यही अगर हम, जो जिस तरह से कोई भी करप्ट हो, चाहे
चाहे बीजेपी में हो। आज अगर मैं करप्ट हूं, अगर मुझे पता है तो ठीक है, ये ऐसा ना हो कि कल मैं बीजेपी में चला जाऊंगा और मैं साफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो वॉशिंग मशीन लाई है बीजेपी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करप्ट है चाहे किसी भी पार्टी से हो, और हमने ये दिखा, देखिए हमने तोमर के बेटे का देखा वीडियो, उस पर कौन सी एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि रूलिंग पार्टी है भाई। वो क्या, हमने ये जो मैसूरू MP है, इसने जिसने पास दिया उसके खिलाफ क्या हो रहा है? आपने 1400, मैसूरू एमपी वाले मुद्दे पे हम आएंगे, बस अपने अगले शो में आएंगे। मैं ये कह रहा हूं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है फिर? आप खाली एक, आपने सोचा कि हाँ हमें अपोजिशन को टारगेट करना, कर दो, बाकी अपनों को छोड़ना है, चाहे वो कुछ भी कर ले, तो फिर करते रहो आप। ये तो हर जगह होता है ना औरंगजेब भाई, ये पिछली सरकारों में भी था, ये राज्य सरकारों में भी होता है। ये अगर मतलब ये आप लोगों का आर्गुमेंट ना जबरदस्त है कि अगर पीछे हो रहा था ये अब हो रहा है, ये ठीक है। नहीं, मैं अगर कुछ करना चाहूंगा अपनी कंपनी के लिए या बाकी चीजों के लिए, मैं अपने लोगों के खिलाफ कैसे, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि लोग ये ये चला दलील क्यों देख, देते हैं कि आपके पास आकर के लोग वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। बिल्कुल हमने देखा है ये सारा। जी, तो मैं वही कह रहा हूं कि जो हमारे पास है उनके ऊपर मैं खुद एक्शन क्यों लूंगा अंटिल एंड अनलेस देयर इज समथिंग वेरी देखिए, विजिबल। नहीं, देखिए जिस तरह से मोदी जी ने आके बोला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कमिटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि उस जब वो आए थे, एवरीबडी हैड दिस कि ये कोई भी करप्ट हो चाहे किसी भी पार्टी से, तो वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि मैं अपने खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन नहीं, लूंगा, मैं भले ही यही कह कुछ भी रहा कर, हूं, वही तो होता है कि रेड रेड करवाने की बात। रेड की अब बात, इनको इनको ओवरऑल इनको एग्जैक्टली हाँ, रेड शेयर। की ओवरऑल। आप अगर आप देखेंगे कि कोई भी जिसका भी हमने आज तक ये देखा है, कोई भी किसी का, जिस दिन उसने पार्टी चेंज किया मामला खत्म। आप वेस्ट बंगाल में लीजिए, शेखर उसके शेखर जी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं इस शो को खत्म करने से पहले। शेखर जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी ना किसी तरीके से ये जो आर्गुमेंट है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने का, ये अभी से चुनाव में हार लेने के हार मान लेने वाला आर्गुमेंट है। नहीं, अवश्य देखिए, बीजेपी मतलब बीजेपी की जो सफलता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद कांग्रेस के रैंक एंड फाइल में एक निराशा आया हुआ है, लेकिन वो निराशा का कारण बहुत कुछ है, लेकिन जिस कारण को कांग्रेस पार्टी खुल के बात नहीं कर सकती या कुछ कर सकती है, अलग बात है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, एक चुनाव जैसे मामले में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में चेहरा बहुत जरूरी है, क्या पॉलिसी सामने रखते हैं वो बहुत जरूरी है, किस सेक्शंस को आप साथ लेके चलना चाह रहे हैं वो जरूरी, और साथ में एक रीएनर्जाइज कैडर की जरूरत है। ठीक है, इसमें धनराशि बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये पहले तीन चीजें चाहिए। और एक बात जो कहना चाहता हूँ धीरज जी, जहां कांग्रेस की सफलता मिली है, जहां सफलता मिली है वहां फ्लूक से नहीं मिली है, ये भी हमें समझना चाहिए। तेलंगाना हो, कर्नाटका में, ये सारे जो फैक्टर्स मैंने लिस्ट किया है, उस फैक्टर्स में कांग्रेस हैव टिक द राइट बॉक्सेस। कांग्रेस जी में कर्नाटका में नेतृत्व थी, कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी अच्छी तरह लोगों के सामने पेश की, लोगों को कन्विंस कर पाई, ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल जो जो फैक्टर्स आज आप कह रहे हैं कि भाई नड्डा जी कह रहे हैं बीजेपी को लेकर, वो सारे फैक्टर्स यहाँ अप्लाई होते जहां जीते, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, देखिए एक अगर व्यक्ति जो नहीं मानता इट इज डन डील कि चुनाव हम जीत गए, ऐसा एक व्यक्ति अगर जो नहीं मानता है वो है प्रधानमंत्री स्वयं। प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी स्वयं नहीं मानते कि चुनाव जीत गए हैं। आप जितनी इंटरेक्शन उनकी हुई है पार्लियामेंट मेंबर से, जो भी हो, यही कहते हैं जाओ जाओ बताओ हमने क्या किया है, क्या कवर हुआ है। एक विकसित भारत का भी कैंपेन चल रहा है, जो जो छूट गया उसको जुड़ाओ, अपने एरिया में जाके करो, जिसके बिल्कुल आधा नहीं है बिल्कुल उसको एनरोल करो। भाई ग्राउंड लेवल एक्शन भी जो हो रहा है ना भाई, सबसे ज्यादा ये क्या बात, ये ऐसा है कि अलग अलग सिस्टम ऑपरेशन है, अलग अलग स्टाइल है। और आजकल क्या है, चुनाव फ्लूक में नहीं होते, आप इतनी तैयार करके भी हार सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, इतने सब होते भी बीजेपी भी गलती करती है नेतृत्व को लेकर, कर्नाटक में आपने देख लिया, ये सारे फॉर्मूला वहां क्यों अप्लाई नहीं हुए, कांग्रेस की क्यों सफलता हुई? बिकॉज कांग्रेस मैनेज टू कन्वे द मैसेज बेटर। मैं तो कहूंगा कि राजस्थान का चुनाव भी जीतने में पसीने छूट गए। एक अकेले अशोक गहलोत ने मोदी जी के कितने दौरे करवा दिए राजस्थान के, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए चुनाव ऐसा ही है कि कोई डन डील नहीं है, अब कुछ नहीं कह सकते लोगों के मन में क्या है। और ज्यादातर लोग हमने देखा है कि देखिए वो इजिली इन्फ्लुएंस नहीं होते, केवल पैसे से चला जाएगा, मुझे नहीं लगता है।
एवरी पार्टी हैज टू वर्क हार्ड, एंड आप हर कैंडिडेट से पूछ लीजिए भाई जितना भी खर्चा करें। अच्छा आजकल वर्कर्स नहीं है, देखिए बीजेपी में कैडर है, सन की बात की औरंगजेब ने, वो सब है, लेकिन आजकल क्या है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर दोबारा चुनाव लड़ रहा है, वो यस टू सेट अप ए मशीन लाइक अ कंपनी, जी यस टू पे सैलरीज। पहले क्या होता था, वॉलंटियर जाते थे, उनका खाना पीना हो गया तो चुनाव का कैंपेन हो गया, ऐसा नहीं। आज आज यू हैव टू सेट अप अ सिस्टम एंड फीडबैक लेना है, सर्वे लेना है, कहाँ कमी है क्या है, इसके लिए सारे तो काफी खर्चा होता है। जी चलिए, अभी हम इस शो को तो यहीं पे खत्म करते हैं। दर्शकों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। औरंगजेब भाई और शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।